और अब यूपी में तीसरे चरण के रण के बीच चौथे दौर का प्रचार युद्ध भी तेज हो चुका है। हर सियासी दल वोट के लिए मैदान में जोर आजमाइश कर रहा है। पीएम मोदी भी हरदोई में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये धरती सांडिल्य ऋषि की तपोस्थली है। हरदोई की पुण्य भूमि से होली जैसे पवित्र त्योहार का जुड़ाव हम सभी जानते हैं और मुझे पता है इस बार हरदोई के लोगों ने यूपी के लोगों ने दो बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बंपर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना? लेकिन अगर होली 10 मार्च को धाम धूम से मनानी है तो अभी तैयारी पोलिंग बूथ में करनी पड़ेगी। करोगे? एक एक पोलिंग बूथ में करोगे? घर घर जाओगे? देखिए, आप लोगों पर मेरा कोई हक है, मैं बता सकता हूं ना आपको, मैं काम बता सकता हूं ना, क्योंकि आपने शायद ही कोई ऐसा चुनाव होगा कि मुझे न बुलाया हो और मैं आया न हूं। अगर आपके कहने पर मैं हाजिर हो जाता हूं तो मेरे कहने पर आप बूथ में लग जाएंगे ना? पक्का लग जाएंगे? आज तीसरे चरण में भी बिना बटे एकजुट होकर कमल के निशान पर भारी मतदान हो रहा है। अब तक जो खबरें मिली हैं बहुत उत्साहवर्धक है और आज यूपी के साथ साथ पंजाब में भी वोट पड़ रहे हैं। वहां के लोग भी पंजाब के विकास, पंजाब की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यूपी के अगले चरणों की जिम्मेदारी भी आप लोगों ने ले रखी है। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना? 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना? साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी,
छिनेती लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन गौर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था, लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।